आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये फॉर्मूला के अंदर में वॉच विंडो का क्या काम है। जैसा कि ये लिखता है वॉच विंडो के बारे में लिखता है, मॉनिटर्स द वैल्यू ऑफ सर्टेन सेल्स एज चेंजेज आर मेड टू द सीट, या कह सकते हैं द वैल्यूज आर डिस्प्ले इन द सेपरेट विंडोज दैट रिमेन्स विजिबल। ये रिगार्डलेस ये फंक्शन इस टाइप से ये मैसेज आपको यहाँ पे देता है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि ऑफ व्हाट एरिया दैट वुड वर्क बुक इज शोन। तो नाम से स्पष्ट है वॉच विंडो, मतलब कि हमारा ये वॉच करेगा। तो इसमें कुछ विशेष नहीं करना। सपोज कीजिए कि हमारा ये फाइल बना हुआ है, इसमें हमारा लंबा डाटा है, तो बार बार हमको ऐसे करना पड़ता है इधर आने के लिए, बार बार हमको ऐसे करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ चेंज करें तो हमारे टोटल पे क्या असर पड़ेगा। तो जब भी हम सपोज कीजिए कि हम चेंज करते हैं, सपोज कीजिए हम 40 कर दिए, तो हो गया। अब इसको देखने के लिए हमको यहाँ इसके सामने आना पड़ता है कि बढ़ा कि घटा, इसके परसेंटेज पे, इसके डिवीजन पे क्या असर पड़ा। तो इस टाइप का कंसेप्ट हमको बार बार करना पड़ता है। तो हम यहाँ वॉच विंडो के सहायता से, वॉच विंडो के माध्यम से हम उस एक विंडो बना लेंगे जिसमें इसमें कुछ चेंज करेंगे तो उस विंडो के अंदर में हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा वॉच विंडो का कंसेप्ट रहता है। तो सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ टोटल है, एक्सेल पे करके देखते हैं, फिर हम आपको बारी बारी से बताएंगे। टोटल पे हम कर्सर रखते हैं और यहाँ वॉच विंडो पे आप क्लिक कीजिए। तो कहता है ऐड वॉच, यहाँ लिखता है ऐड वॉच, डिलीट वॉच। डिलीट वॉच मतलब मिटाने वाली बात। तो पहले हम लोग ऐड करना सीखते हैं। ऐड वॉच करिए तो ये रेंज देता है, लिखता है सिलेक्टेड द सेल्स दैट यू वुड लाइक टू वॉच द वैल्यू ऑफ। आप ओके ऐड कर दीजिए इसको, ये आ गया। तो ये आ गया, सपोज कीजिए कि ये विंडो आपको आ गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग इस साइड भी चले आएंगे, यहाँ भी आप चले आइएगा तो यहाँ पे आपको एक वॉच विंडो ये दिखता है। सपोज कीजिए कि हमारा इंग्लिश में 20 नंबर है, हमारा यहाँ दिखता है कि 60 वैल्यू, मतलब टोटल आपका है। अगर इसमें हम कोई चेंज करेंगे तो हमको इस साइड नहीं जाना पड़ेगा, हम इसी वॉच विंडो के अंदर में हम वैल्यू जान सकते हैं कि इसमें बदल देने से या किसी 2-3-4 बदल देने से हमारा वहाँ क्या इफेक्ट पड़ा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ 20 नंबर है तो हमारा वैल्यू कितना है, 64 है। हम इसको 50, 60, 70 जो भी करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग 50 करते हैं, तो जो ही 50 करेंगे तो देखिए यहाँ वो बढ़ गया 674 आपको यहाँ पे दिखता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ दिखता है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप चाहे तो इधर से भी आके आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए उतना ही है। तो क्या हुआ कि हमको बार बार इधर आना नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे, 99 नंबर है तो हमारा इतना है, हम इसको 20 नंबर देना चाहते हैं, हम इसको 30 नंबर देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है इसका। तो यहीं पे देखिए 607 वैल्यू हमको यहाँ पे दिखा दिया। तो इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग चाहते हैं करने के लिए, देखने के सेंस में, नाम संस्पर्श से वॉच विंडो मानी दिखेगा कि हमारा ये कितना वैल्यू हमारा चेंज हुआ। तो हमको बार बार आपको सीट को ऐसे 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 ला के यहाँ से देखना नहीं पड़ेगा, ऐसे करके हम लोगों को देखना नहीं पड़ेगा। इसके सेंस में हम लोग इसका वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ये तो एक सेल पे हुआ, अब इसी के साथ हम चाहते हैं कि पूरे सेल पे इफेक्ट देखें। अब पूरे को ब्लॉक बना लीजिए, इस टाइप से ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। ब्लॉक बनाने के बाद हम लोग ऐड वॉच करते हैं, ऐड वॉच करते हैं, रेंज लिए हुए हैं, अब इसको ऐड कर दिए। तो देखिए यहाँ पे पूरा दिख दिया आपको, देता है कि किस बुक वन आपका क्या फाइल नंबर है, सो दिखता है किस सीट का वैल्यू है, क्या नेम है सेल और उसका वैल्यू, और उसके सामने फॉर्मूला आपने क्या किया है, सम किया है या जो भी किया है, सारा आपको यहाँ पे दिखता है। तो अब इसी में हम लोग किसी का चेंज करें, लेकिन हमारा यह वॉच विंडो यहाँ पे आपको रखेगा, आपको जहाँ मन है आप चाहे तो यहीं पर रख के देखिए, यहाँ पे आप रखिए, टोटल का जरूरत कोई नहीं है। तो आप इसमें से किसी सेल में आप चेंज करेंगे तो बीच में आपको दिखते रहेगा। यहाँ पे आप चाहे तो इसको ऊपर में भी उठा कर रख सकते हैं, यहाँ पे भी रहेगा, या पकड़ के हम लोग नीचे भी रखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। आपको जिधर चाहे आप इसको रख सकते हैं। तो इसमें करके देखिए, सपोज कीजिए कि हमारा इस सेल में हमारा है ये J7 में 30 है। आप J7 के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि J वाले में हमारा आपको दिखाई देगा के यहाँ पे आपको इसके हिसाब से आपको दिखाई देगा कि इसके सामने में हम लोग 7 वाले में K7 में देखें 318 है। तो हम लोग उसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि हमारा ये टोटल कितना हुआ होगा, क्योंकि बार बार हमको लाना ही पड़ेगा। तो इसमें हम लोग सपोज कीजिए कि फिर से
इसमें क्लिक कीजिए और इसमें हम लोग 50 नंबर डाल देते हैं। तो ये देखिए हमको यहाँ दिखा जो 338 हो गया। आप यहाँ से भी आप K7 में जा करके आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 338 दिखाता है। तो ये हमारा वॉच विंडो का कंसेप्ट होता है, नाम ही है वॉच विंडो, मतलब आपको वैल्यू को वॉच करने के सेंस में आप उसको हम लोग यूज करके देख सकते हैं। ये हमारा वॉच विंडो का कंसेप्ट रहता है। तो ऐड वॉच करेंगे तो आपको वॉच होगा, दूसरा डिलीट वॉच कर सकते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट वॉच में हम लोग किसी सीट को ऐसे मान लिया कि हमको ये वाला नहीं चाहिए, इसको हटा देना है, तो आप डिलीट वॉच कर दीजिए, मिट जाएगा। आपको पूरे मिटाना है तो पूरे को आप ब्लॉक बनाइए, और आप चाहें तो डिलीट मारिए या डिलीट वॉच कर दिए तो पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐड के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, डिलीट के माध्यम से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट हम लोग किसी दूसरे सीट में, सपोज कीजिए कि हमारा सीट यहाँ अलग है, हम इस सीट में कुछ और काम करते हैं, इस सीट में सपोज कीजिए कि हम लोग दो सेल को एक सीट बना लिए, इसमें आए इसका आप यहाँ पे वॉच विंडो में जाइए, वॉच विंडो में जाइए इसमें ऐड वॉच कीजिए, ऐड वॉच में इसको ऐड कर लीजिए। आ गया हम सीट सिक्स में चलते हैं, हम यहाँ पे कोई नंबर को गुना जोड़ करते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे हम लिख दिए 90 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 50 लिखते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे इक्वल टू जोड़ कर लेते हैं, इसको ऐसे दीजिए और प्लस इसको ऐसे कीजिए, ये निकाल दिया। इसका हम लोग वॉच विंडो करना चाहते हैं, ऐड वॉच में जाइए, ऐड है ही, ओके कर लिए। तो अलग अलग सीट में है, तो आप जिस सीट में रहेंगे इस सीट में आइए, आप यहाँ पे हम लोग दिए थे रेंज ये 348 का, तब यहाँ पे चेंज करेंगे तो हम यहीं पे वॉच विंडो के माध्यम से वॉच विंडो हम यहाँ पे रखते हैं। हमारा एक छोटा है सपोज कीजिए कि यहाँ पे रख के हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए 20 नंबर करते हैं तो देखिए यहाँ पे 298 हो गया। आप सीट सिक्स पे चलिए, फोर पे चलिए, जिस पे हम लोग सेवन पे चलिए, जहाँ पे हम लोग बनाए थे ये देखिए यहाँ भी है, सपोज कीजिए कि इसको हम लोग 50 नंबर करते हैं तो हमारा हो गया। तो इसके लिए हम यहीं पे देख लेते हैं, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये हमारा वॉच विंडो का कंसेप्ट रहता है। तो आप वॉच नाम ही है वॉच विंडो करके आप देख सकते हैं, आप वॉच विंडो ला करके देख सकते हैं, इसमें सिर्फ देखने के सेंस में काम आता है। मोनिटर्स दिखता है, मोनिटर्स द वैल्यू ऑफ द सर्टेन सेल्स एट ए चेंजेज इज मेड ऑफ ए सीट, माने सर्टेन सेल में आप अगर कोई चेंज करते हैं तो बार बार हम लोगों को ऐसे नहीं करना पड़ता है। हमारा यहाँ डाटा छोटा है, बड़ा डाटा में आपको बताएं बहुत डाटा बड़ा डाटा रहेगा तो हमको बार बार ऐसे नहीं करना पड़े, इसीलिए वॉच विंडो एडिटिंग जहाँ का कहीं पड़ा रहता है हम लोग जो चाहे इसके हिसाब से किस पे क्या इफेक्ट करता है हम जान सकते हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम जाने कि वॉच विंडो का क्या काम है। वॉच विंडो में एक बार में हम लोग करेंगे तो शो हो जाएगा, दूसरे बार में करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ऐड वॉच डिलीट वॉच ये देखें और इसके फंक्शन को हम लोग जाने। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आएगा, हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहे।